एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के हो गए 7:15। अब आरती करूँगी, रूम की लाइट चालू कर दूँ और अब मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी दाल वाली दूधी, मतलब दाल वाली लौकी। और यहाँ से दिख रहा है ये घर, वो हॉल है, फिर किचन है, फिर ये रूम है। अब मैं गैलरी में आई हूँ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गैलरी है, यहाँ पे पेड़ रखे हैं। किचन में जाएंगे और मुझे घी भी बनाना है। और धैर्य सिंह क्या कर रहे हो? धैर्य कुछ खा रहा है आज, उसका आज उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। और ये देखिए, यहाँ रूम में घुसते टैडी दिख रहे हैं। दो टैडी भी है। आरती कर लेते हैं, बाद में सब्जी बनाऊंगी। आज मैंने बाल भी नहीं बनाए, बनाए कि नहीं पता नहीं, याद नहीं है, नहीं बनाए शायद। अब आज ऑयल लगाऊंगी, तब कल धोऊंगी। आज गुरुवार था, गुरुवार है, था क्या? हाँ, जब तक आपके पास वीडियो जाएगा तब तक था हो जाएगा, अभी है। तो चलिए, आज मैं आरती दिखाती हूँ मंदिर की। मंदिर में आप दिया जलता होता है ना, तो अपने आप इच्छा हो जाती है कि नहीं इसको रिकॉर्ड कर लूँ, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ने गुरुवार व्रत किया ना, देखिए केला रखा है, ये हमने इसमें लगाया था। देखो कितने अच्छे पत्ते भी आ गए। और सत्यनारायण भगवान, यहाँ भोले बाबा बैठे हैं, देखो पत्तों में छिप गए हैं, बेलपत्र में। मंदिर की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है, ये जो ड्रॉअर दिख रहा है ना, ये ऐसे थे, एक मिनट, यहाँ पे मम्मी ने रख रखे होंगे। जब हमने ऊपर घर बनवाया था ना, तभी ये मंदिर भी लाए थे। और यहाँ पे मेरी आरती स्टार्ट हो गई है और मैंने आरती रख दी है। दिया गर्म हो जाता है ना, तो मैं अब रख देती हूँ। दिया रख के अब मैं बैठ ही रहूँगी थोड़ी देर। मैंने धुनी लगाई थी ना, देखो उसमें से कितना अच्छा धुआं सा आ रहा है और स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चीले, तो मैंने गुड़ भिगा दिया है और गुड़ के मीठे चीले, और ये दूधी कट कर ली है, और ये मसाला तैयार है, लहसुन और प्याज का ग्रेवी बनाऊँगी, और ये चना दाल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों में से कौन कौन बनाता है ज़रूर बताना। कुकर में ही बनाइए, जल्दी गल जाती है दाल, वैसे तो सारी दालें कुकर में ही बनती हैं। और अब मैं इसमें तेल डाल दिया है, तेल गरम हो रहा है, उसमें जीरा डालूंगी और वही रेगुलर वाले मसाले, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। और जब बन जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। और मेरे मुँह में इलायची है, तो आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं कुछ खाते खाते बना रही हूँ। वो किचन में आती हूँ ना, तो कभी ऐसा लगता है कि लाओ थोड़ा सा, ठंडक भी रहती है, अभी गर्मी भी हो रही है, तो वो इलायची सही रहती है, फ्रेशनेस फील होती है, तो मैंने वो डाल ली है। वो इलायची पूरी खा भी चुकी हूँ, पर वो एक आध दाना ऐसे नहीं, अपने दांत में फंस जाता है कहीं, तो वो फंसा हुआ है, इसके लिए मैं बार बार ऐसा मुँह चला रही हूँ। और ये मैंने सब्जी छोंक दी है, सब्जी कह सकते हैं, दाल जो भी है, और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट था और वही मसाले थे। अब इसमें मैं दूधी डाल रही हूँ और फिर चना दाल डाल के मिक्स करके, बस पानी जैसा आप गाढ़ा पतला खाना चाहो, वैसे तो दूधी में भी थोड़ा पानी अपना छूटता है, तो मैंने पानी कम ही डाला था,
पर ये चने की दाल है ना पकने में टाइम लेती है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। और मेरी सब्ज़ी छुक गई है देखिए, अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और नमक डाल के ढक्कन बंद हो जाएगा। मैंने और पानी डाला था, ये तो जार धो के इतना डाला था, फिर ऐसा लगा कि ये तो पूरा सूखा सूखा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं चीले के लिए जो मैंने गुड़ घोला था ना उसमें मैंने आटा डाल के उसको मिलाना स्टार्ट किया। अब इसको फेंट के मैं रख दूँगी तो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूँगी तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। और चीले को हमेशा नॉनस्टिक तवे पे बनाओ ना, तो कभी ना लगते हैं ना टूटते हैं, तो मैं उसी पे बनाऊँगी। तो आप लोग देखना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर भी कर लेना, कमेंट करना। तो ये देखिए मेरा घोल तैयार हो गया। अभी इसमें थोड़ी गांठें हैं, मैंने इसको और फेंट लिया था ये तो। अभी देखिए, अब ये मेरा घोल तैयार हो गया है। अब इसके मैं चीले बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने तवा गरम कर लिया था और ये देखिए मेरा पहला चीला कैसा लगा, आप लोग भी बताना देख के, चख के और ट्राई करके। अभी तो आप देख के ही बता सकते हो कैसा बना है। और मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और चीला ज़रूर बना के ट्राई करना और फिर कमेंट करना। ये मैंने घी डाला है ऊपर से, तेल भी डाल सकते हो आप जो जैसा खाना पसंद करो। और ये नहीं भी डालती तो भी बन जाता, देखो कहीं से कुछ भी नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, पर थोड़ा अच्छा लगता है, सॉफ्ट और हो जाता है। पर जिनको ऑयल और घी कम खाना चाहते हैं तो वो उसके बिना उसके भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और ऐसे ही सेम नमकीन बनते हैं, वो बेसन के बनते हैं, उसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च ऐसा सब डाल के बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और मेरा चीला बन गया है मेरा, ऐसे मैंने सारे चीले बन गए थे अच्छे, कहीं से भी कुछ भी टूटे नहीं थे। और ये देखिए मेरा मोबाइल का स्टैंड, क्योंकि ट्राईपोड के बारे में तो अभी मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, तो उसके लिए उसकी स्टोरी अलग से सुनाऊँगी। और ये देखिए मेरा चीला कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ मिलते हैं कल, बाय।